कांगड़ा से, जहां पर एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने 6 दिन बाद इस मामले में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। छात्रा ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षा उपनिदेशक के पास भी शिकायत भेज दी गई है। हैरानी की बात यह है कि छात्रा काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है और इसी वजह से उसकी शिकायत को दर्ज नहीं किया गया। काफी वक्त के बाद उनकी शिकायत दर्ज की गई। मीडिया में खबर आने के बाद इस शिकायत पर रुख लिया गया और इस शिकायत को दर्ज किया गया। धीरा उपमंडल के स्कूल का यह मामला बताया जाता है। शिक्षा उपनिदेशक के पास भी शिकायत पहुंचा दी गई है। मनोज धीमान हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, छेड़छाड़ का आरोप है, फिलहाल क्या स्थिति बन रही है? आरती, देखिए लगातार 2 दिन के भीतर जो है वो 2 मामले जो है वो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले आ चुके हैं। इससे पहले कल जो है वो हमीरपुर में शिक्षक के खिलाफ एक मामला आया था और आज जो है वो सुला विधानसभा के धीरा उपमंडल में जो है वो एक मामला सामने आया है, जहां पर एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाली छात्रा ने जो है वो एक शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। तो इस तरह के मामले जो है सामने आना कहीं ना कहीं जो है वो शिक्षकों के ऊपर जो है वो सवाल उठना शुरू हो गए हैं। और किस तरह लड़कियों को जो स्कूल में भेजा जाएगा, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि शिक्षक ही अगर छात्राओं के साथ इस तरह की हरकतें करते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो परिजन हैं, उनका विश्वास जो है वो शिक्षकों के ऊपर से उठ जाएगा और लड़कियों को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो रहा है ऐसे में। तो ऐसे में जो है कल जो है वो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छेड़छाड़ का मामला जो है वो शिक्षक के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और अगली कार्रवाई जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। साथ ही शिक्षा उपनिदेशक जो है उन तक भी ये शिकायत पहुंचाने का प्रयास किया गया है, शिकायत पहुंचा दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या जांच पड़ताल जो पुलिस करती है और शिक्षा विभाग की तरफ से क्या जांच पड़ताल सामने आती है और क्या कार्रवाई जो है वो इन अध्यापकों के ऊपर की जाती है। आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मामला है कांगड़ा से, जहां पर एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है।